वेलकम टू टेक गुरुकुल। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोडक्ट ऑफ सम्स पार्ट वन किया था, इसमें हम पार्ट टू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जब कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन हम लिखते हैं पॉस्ट फॉर्म के अंदर, तो उसमें लॉजिकल एक्सप्रेशन के जो भी पार्ट हैं, जैसे ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, हमने देखा था कि इनको हम मैक्स टर्म्स कहते हैं यदि हम इक्वेशन को इस तरह से पॉस्ट फॉर्म के अंदर लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम्स के अंदर लिखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ सम्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इन सम्स का, ये सम है बेसिकली, वेरिएबल्स का सम है ये, चाहे कोई वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है या कोई नॉर्मल फॉर्म में है, उनके सम को प्रोडक्ट कर रखा है, इसलिए इसको प्रोडक्ट ऑफ सम्स कहते हैं। तो इसमें दो टाइप की इक्वेशंस हमने देखी थी, एक होती है स्टैंडर्ड पॉस्ट फॉर्म और एक होती है मिनिमल पॉस्ट फॉर्म। स्टैंडर्ड या कैनोनिकल फॉर्म हम किसे कहेंगे कि जो भी मैक्स टर्म्स है, ये जैसे मैक्स टर्म है तीन यहां पर, ईच मैक्स टर्म हैविंग ऑल द वेरिएबल्स, कि सारे के सारे वेरिएबल उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे लॉजिकल एक्सप्रेशन हम चेक करें तो इसके अंदर तीन वेरिएबल हैं ए, बी और सी, तो ये एक मैक्स टर्म है, ये एक मैक्स टर्म है, ये एक मैक्स टर्म है, तो ईच मैक्स टर्म मींस के ये मैक्स टर्म, जैसे इसके अंदर तीनों वेरिएबल होने चाहिए, मींस के ए, बी और सी तीनों वेरिएबल हैं, यहां पर भी तीनों वेरिएबल हैं, चाहे वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो या नॉर्मल फॉर्म में हो, सारे के सारे वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए। इसी तरह से इसमें भी तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है, तो इसको हम कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड या कैनोनिकल फॉर्म है। अब सेकेंड है मिनिमल पॉस्ट फॉर्म। मिनिमल पॉस्ट फॉर्म किसको कहते हैं, कि जिसके अंदर सारे के सारे वेरिएबल प्रेजेंट नहीं हो, जितने भी मैक्स टर्म है यहां पर, ये जैसे मैक्स टर्म है, ये जैसे मैक्स टर्म है, तो इसमें हम चेक करें तो यहां पर ए और बी है, सी यहां पर मिसिंग है, उसी तरह से यहां पर बी कॉम्प्लीमेंट सी है, बी और सी है, मीन्स के ए मिसिंग है यहां पर, उसी तरह से इस पार्ट में बी मिसिंग है। इट मींस के सारे के सारे जो मैक्स टर्म है उसके अंदर ऑल वेरिएबल्स आर नॉट प्रेजेंट, सारे के सारे वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड पॉस्ट फॉर्म नहीं कहेंगे, ये मिनिमल पॉस्ट फॉर्म है। तो इस तरह से हमने पॉस्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट किया था। अब कोई भी क्वेश्चन हमें दे रखा है, इस तरह से कोई ट्रुथ टेबल दे रखी है हमें एग्जाम में, तो ये कहते हैं कि फॉर द ट्रुथ टेबल, इस गिवन ट्रुथ टेबल के लिए मिनिमाइज करना है एक्सप्रेशन को पॉस्ट फॉर्म के अंदर। तो हमें पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी ट्रुथ टेबल से जब हम कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, चाहे वो पॉस्ट फॉर्म में है, चाहे वो एसओपी फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम उसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। कि हमने देखा था कि पॉस्ट फॉर्म की जब रिप्रेजेंटेशन है, तो यदि उसमें ए की वैल्यू जीरो है तो इसको हम ए ही लिखेंगे, और यदि ए की वैल्यू वन है तो इसको हम ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमने पॉस्ट फॉर्म में देखी थी, जो एसओपी फॉर्म का उल्टा है ये बेसिकली। तो अब क्या है, हमें पता है कि ट्रुथ टेबल से जब हम लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे पॉस्ट फॉर्म के लिए, तो वो हमेशा ही लो आउटपुट्स के लिए लिखा जाता है, जीरोस के लिए लिखा जाता है। तो हम यहां पर चेक करेंगे कि जीरो कहां पर है, ये एक जीरो आउटपुट, ये आउटपुट जीरो है, ये आउटपुट जीरो है, ये आउटपुट जीरो है, सो इनके लिए हम यहां पर आउटपुट लिखेंगे। जैसे हम यहां पर f इज इक्वल टू हम लिखें, तो इसके लिए जब हम लिखेंगे तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है a की वैल्यू, और जीरो के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या है, सिंपल नंबर है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे a, उसके बाद यहां पर b की वैल्यू क्या है, वन है, तो वन के लिए हम क्या लिखते हैं, बार लिखते हैं, तो b के लिए वन है, तो यहां पर हम प्लस b बार लिखेंगे, ये पॉस्ट फॉर्म है तो इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद C की वैल्यू 1 है यहां पर, तो प्लस C बार लिखेंगे। उसके बाद ये एंडिंग है, यहां पर मल्टीप्लीकेशन है क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ सम्स है। उसके बाद हम सेकेंड टर्म देखेंगे, इसके लिए जब हम लिखेंगे यहां पर 1 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, A बार, दिस इज A बार प्लस, उसके बाद B की वैल्यू 0 है तो यहां पर क्या आ जाएगा, B प्लस, यहां पर भी 0 है तो C आ जाएगा, और इस तरह से उसके बाद मल्टीप्लीकेशन या एंडिंग आप कह सकते हो। नेक्स्ट जीरो यहां पर है, ये वन है, ये भी वन है और जीरो है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए बार प्लस बी बार प्लस सी, तो यहां पर ए बार प्लस बी बार प्लस सी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, एक जीरो यहां पर है, तो ये तीनों ही वन वन है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ए प्लस ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तो इस तरह से हम कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं इसको यूज करके ट्रुथ टेबल को, जहां पर जीरो आउटपुट है उनके लिए हम लिखेंगे क्योंकि ये पॉस्ट फॉर्म है।
अब इस इक्वेशन को हम मिनिमाइज करेंगे। इस इक्वेशन में हम चेक करें तो ये जो दोनों मैक्सटर्म है हम यहां पर देखें तो ये ए बार और सी कॉमन है, यहां पर ये भी ए बार और सी है, तो इन दोनों इक्वेशन में से यहां पर हम इसको कॉमन ले लेंगे। यहां पर ये इक्वेशन एज इट इज लिख देंगे हम ए प्लस बी बार प्लस सी बार। उसके बाद यहां पर जैसे क्या कॉमन है, यहां पर ए बार सी यहां पर कॉमन है, इसी तरह से ए बार सी यहां पर कॉमन है। हमें पता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंगली हमें पता है कि जो ए प्लस बी है और ए प्लस सी है, यदि ये दोनों टर्म यहां पर कॉमन है तो इसको हम ए प्लस बी सी लिख सकते हैं। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इस तरह से कोई भी कॉमन टर्म है उसको हम यहां पर कॉमन लिख देंगे और बाकी की दोनों टर्म को हम यहां पर बी इंटू सी या बी एंडिंग सी लिख देंगे यहां पर। तो अब यहां पर उसी तरह से इसमें क्या कॉमन है, यहां पर ए बार प्लस सी कॉमन है यहां पर, तो ए बार प्लस सी हम एज इट इज लिख देंगे और जो भी टर्म यहां पर बचती है उसको हम मल्टीप्लाई करके या उसका एंडिंग करके हम यहां लिख देंगे जो b इंटू बी बार बचा था यहां पर इस तरह से। और उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म बची हमारे पास वो क्या बची, a बार प्लस बी बार प्लस सी बार। अब उसी तरह से इसको यदि हम चेक करें, हमें पता है कि b इंटू बी बार जो है ये जीरो के बराबर होता है। अब इसके बाद जब हम इन इक्वेशंस को लिखें यहां पर क्या आ जाएगा, फाइनली a प्लस बी बार प्लस सी बार और यहां पर a बार प्लस सी बच जाता है क्योंकि ये जीरो हो गया ये पार्ट, और उसके बाद a बार प्लस बी बार प्लस सी बार। अब इन दोनों इक्वेशंस में हम चेक करें यहां पर तो हम देखें कि यहां पर b बार और c बार ये कॉमन है यहां पर इसी तरह से, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इस इक्वेशन को जो भी कॉमन टर्म है उसको हम पहले लिख देंगे, b बार प्लस c बार कॉमन है यहां पर और जो भी बचता है उन दोनों की एंडिंग करके लिख देंगे हम यहां पर प्लस a इंटू ए बार। जैसे हमने ये इसमें देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a प्लस बी है और a प्लस सी है, हाँ a कॉमन है तो a पहले कॉमन हम लिख देंगे सिंगल यहां नंबर यहां पर और बाकी जो बचते हैं उनकी मल्टीप्लीकेशन यहां पर लिख देंगे। तो सेम हमने यहां पर किया है, जो भी कॉमन था b बार प्लस c बार कॉमन है इन दोनों टर्म्स के अंदर और बचा यहां पर a बार a इंटू ए बार, तो ये इसको हमने इस तरह से लिख दिया और ये एज इट इज आ जाएगा a बार प्लस c। अब इसको हम चेक करना चाहें तो ये टर्म हमें पता है जीरो के बराबर होती है, तो ये b बार प्लस c बार आ जाएगा यहां पर और यहां पर a बार प्लस c आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आएगी इसको मिनिमल पॉस फॉर्म कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मिनिमल पॉस फॉर्म, क्योंकि इसको हमने मिनिमाइज कर दिया यूजिंग बूलियन अलजेब्रा, तो दिस इज मिनिमल पॉस फॉर्म। अब यही क्वेश्चन एग्जाम में दूसरे टाइप से पूछा जा सकता है, जैसे ये टर्म्स हैं यहां पर, यदि इसके हम टर्म्स लिखें यहां पर मैक्स टर्म्स, तो ये m0 के बराबर है, ये m1 के बराबर है, ये m2 के बराबर है, दिस इज फॉर m3, m4, m5, m6, m7। तो हम चेक करें कि जीरो किसके लिए, यहां पर m3 के लिए जीरो है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं हम इसको, f इज इक्वल टू, हमें पता है इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है दोनों का, प्रोडक्ट ऑफ सम्स है, तो पाई यूज करते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, और ब्रैकेट में जैसे यहां पर m3, उसके बाद डॉट मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं जैसे हम, उसके बाद नेक्स्ट m4, देन नेक्स्ट m6, देन m7, इस तरह से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई m, यहां पर कैपिटल m यूज करते हैं पॉस फॉर्म के लिए, और यहां पर 3, 4, 6, 7, तो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन है। क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि f इज इक्वल टू पाई m 3, 4, 5, 6। अब इसको हम यदि एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, एसओपी फॉर्म क्या होगा, इसका उल्टा होगा। यहां पर एसओपी फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा स्मॉल m से जो यहां पर टर्म बचते हैं, जैसे क्या बचा हुआ है यहां पर 0, 1, 2 नहीं है यहां पर, उसके बाद 3, 4, 5 बचा हुआ है, तो जो बची हुई टर्म है
वो एसओपी फॉर्म बच जाती है, चाहे हम इस फॉर्म में लिखें चाहे हम इस फॉर्म में लिखें आंसर सेम आएगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, इसके बाद हम इसके कुछ और एग्जांपल्स करेंगे एसओपी फॉर्म के और पॉस फॉर्म के। यदि आपके कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशंस हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।